नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। गुप्त चुनावी चंदे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार गलत बयानी कर रही है, लगातार झूठ बोल रही है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में देश के गृह मंत्री साफ तौर पर गलत बयानी करते हैं, मगर पत्रकारों में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उनकी भूल सुधार कर सकें, उन्हें कटघरे में रख सकें, सच का आईना उन्हें दिखा सकें। और अब नया डेटा सामने आया है, साल 2019 से पहले गुप्त चुनावी चंदे का डेटा, और यह डेटा अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। सबसे पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप देखें इंडियन एक्सप्रेस की खबर, जो क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है, फ्रेश डेटा आउट, पेमेंट्स बिफोर 2019 पोल, डीएमके, एडीएमके, जेडीएस, एनसीपी अमंग 10 हु नेम डोनर्स। हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो क्या कहा जा रहा है यहां पर कि डीएमके, एडीएमके, इसके अलावा एनसीपी, ऐसी 10 पोलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने ये राज फाश किया, जिन्होंने बताया कि किन औद्योगिक घरानों से उन्हें कितना पैसा मिला था। मगर भारतीय जनता पार्टी, जिसे बेहिसाब पैसा मिला था, उसने अब तक नहीं बताया कि 2019 से पहले उसे किन औद्योगिक घरानों से पैसा मिला था। सीधा सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आखिर हकीकत से बच क्यों रही है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि देश के गृह मंत्री ने भी एक मंच पर खड़े होकर गलत बयानी की थी, और वो गलत बयानी क्या थी कि कुल 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल चंदे से हमें तो सिर्फ 6,000 करोड़ मिला है। सरासर गलत। सबसे पहले ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा नहीं था, कुल आंकड़ा है 16,000 करोड़, जिसमें से करीब 8,000 करोड़ भाजपा की जेब में गया था। मगर सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं। तो एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा तीन अलग अलग सोर्सेस जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे को गलत साबित करते हैं। सबसे पहले स्क्रोल ने इस बारे में, स्क्रोल वेबसाइट ने इस बारे में क्या जानकारी दी है आपकी स्क्रीन पर। वो कहती है, डेटा फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शोज बॉन्ड्स वर्थ 16,492 crores वर रिडीम्ड बिटवीन मार्च 2018 एंड जनवरी 2024 ऑफ दिस बीजेपी रिसीव्ड 8,252 crores, द सिंगल लार्जेस्ट शेयर फॉर अ पोलिटिकल पार्टी। हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो भाजपा को मिले थे 8,252 करोड़ रुपए। कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कीमत थी 16,492 करोड़ रुपए। और देश के गृह मंत्री क्या कह रहे थे कि कुल चंदे की कीमत है 20,000 करोड़, हमें तो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो आंकड़े दिए हैं और अन्य एजेंसीज जो आंकड़े दे रही हैं, उसमें 200 करोड़ का फर्क है। मगर इंडियन एक्सप्रेस भी यह कह रही है अपनी इस खबर के मुताबिक कि भाजपा को 8,400 करोड़ रुपए मिले हैं, 8,450 करोड़, जो कि अमित शाह के 6,000 करोड़ के आंकड़े से बहुत जुदा है। यही नहीं, 2019 से पहले भाजपा को किस तरह से पैसे मिले हैं उसका भी जिक्र इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है। श्यामलाल की रिपोर्ट है जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। बीजेपी पोल बॉन्ड रिडेम्पशंस,
भाजपा को मार्च 2018 में मिले 210 करोड़, जुलाई में मिले 13 करोड़ 50 लाख, अक्टूबर 2018 में मिले 217 करोड़ 21 लाख, नवंबर में मिले 113 करोड़ 20 लाख, अप्रैल 2018 में मिले 94 करोड़ 15 लाख, मई 2018 में मिले 70 करोड़ 35 लाख, जनवरी 2019 में मिले 173 करोड़, मार्च 2019 में मिले 769 करोड़ 48 लाख, अप्रैल 2019 में मिले 1572 करोड़ 93 लाख और मई 2019 में मिले 707 करोड़ 70 लाख। यह पूरा आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों, और इस आंकड़े को देश के गृह मंत्री अमित शाह गलत साबित कर रहे थे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक मंच पर देश के गृह मंत्री गलत बयानी करते हैं मगर उन्हें कटघरे में रखने वाला कोई नहीं है, कोई उन्हें यह कहने वाला नहीं है कि अमित जी जो आप बता रहे हैं वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है। वैसे तो मैंने बाकायदा एक शो किया था जिसमें मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने कुछ सवाल पूछा था पूरे सम्मान के साथ कि मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि उनके सामने जो पत्रकार बैठा हुआ था उसमें हिम्मत नहीं थी सवाल पूछने की। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं और भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन चीजों की जांच करेंगे। एक तरफ भाजपा के नेता गलत बयानी करते हैं, मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो अमर्यादित और अनपार्लियामेंट्री होती है, मगर गलत बयानी तो हम कह ही सकते हैं ना। मैं आज भाजपा के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो इन सवालों का जवाब दे। आपके स्क्रीन पर टेलीग्राफ की खबर जो एबीपी न्यूज पर आई है, खबर क्या कहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड आईटी छापेमारी के बाद हीरो ग्रुप ने एक दिन में खरीदे थे इतने करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स। यानी कि पहले हीरो ग्रुप पर छापेमारी पड़ती है और उसके बाद वो गुप्त चुनावी चंदा खरीदते हैं। अब इस बात की जांच होनी चाहिए ना कि ये गुप्त चुनावी चंदा किसको गया, क्योंकि हम ये बाकायदा ट्रेंड देख रहे हैं, छापा पड़ता है और वो लोग चुनावी चंदा खरीदते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया कि उन्हें कहां कहां से चंदा मिला। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा ये बताने में क्यों डर रही है? और हीरो ग्रुप की क्या खबर है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, खबर क्या कहती है, अब आपके स्क्रीन पर आएगी। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से जारी डेटा के मुताबिक ऑटो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने एक ही दिन में एक एक करोड़ की कीमत वाले 20 चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। कंपनी की ओर से 20 करोड़ के इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पहली बार 7 अक्टूबर 2022 को खरीदा गया था। इसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये सभी चुनावी बॉन्ड कंपनी पर मारे गए इनकम टैक्स छापेमारी के कुछ महीने के बाद ही खरीदे गए। मगर बात यहां नहीं रुकती, आगे गौर कीजिए। आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से मार्च 2022 में कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने यह छापेमारी हीरो मोटोकॉर्प के ऑफिसेज और ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ पवन मुंजाल समेत इसके प्रमोटर्स के गुरुग्राम, हरियाणा और दिल्ली स्थित आवासों पर की गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इनकम टैक्स विभाग को छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे जिससे पता चला कि हीरो मोटोकॉर्प ने फर्जी खरीदारी की है। वहीं भारी भरकम बेहिसाब नकदी खर्च किया गया और आवास से जुड़ी एंट्री प्राप्त की जो कि कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हीरो कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया? और यह मैं लगभग सभी जगह देख रहा हूं, फ्यूचर गेमिंग लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, उन पर छापेमारी पड़ती है और फिर उस छापेमारी के बाद वो करीब 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदे में देते हैं। उनके 400 करोड़ की संपत्ति को ईडी अटैच भी कर देती है। मगर दिलचस्प बात यह दोस्तों कि सैंटियागो मार्टिन को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उल्टा उनका बेटा जो है वो भाजपा में शामिल हो जाता है।
क्या इन तमाम सवालात के जवाब भाजपा के पास हैं? और सबसे बड़ी बात, भाजपा के नेता खुद चुनावी चंदा खरीदते हैं और फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। सही सुना, अब मैं आपके सामने वो मिसाल देने वाला हूं जिससे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह खबर आपकी स्क्रीन पर, चुनावी चंदा खरीदा और कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह खबर क्या कहती है? बीजेपी एमपी फर्म बॉट 45 क्रोर्स पोल बॉन्ड्स आफ्टर बैगिंग डैम कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भाजपा नेता, भाजपा सांसद सीएम रमेश को जिस बांध का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी कुल कीमत है 1098 करोड़ रुपए। और जब उन्हें 1098 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भाजपा के चुनावी चंदों में 5 करोड़ रुपए दिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक भाजपा का नेता भाजपा के चुनावी चंदे में पैसा क्यों दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, उसे 1098 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसके बाद वो चुनावी चंदे में पैसा देता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास में ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पूरा गुप्त चुनावी चंदे का मामला है, वो एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, एक बहुत बड़ा घोटाला है। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि 2019 से पहले जो करीब 4000 करोड़ की रकम है जो गुप्त चुनावी चंदों के जरिए सामने आ रही है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। क्या कहती हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, आइए सुनते हैं। देश में आज तक 16,500 करोड़ रुपए के कुल बॉन्ड खरीदे गए हैं। अब हमारे पास जो जानकारी है वो केवल 75% बॉन्ड्स की जानकारी है कि कितने बॉन्ड किसने खरीदे, किस डिनोमिनेशन के खरीदे, किस डेट को खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने बॉन्ड रिडीम करे, किस तारीख को, किस डिनोमिनेशन के। 25% के बॉन्ड की जो लागत थी वो सूचना हमारे पास नहीं है कि किसने बॉन्ड खरीदे। मतलब 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड के बारे में ये जानकारी आज भी लोगों के पास नहीं है। इसका कारण सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कट ऑफ डेट डाल दी थी, ये कहने की बजाय कि बॉन्ड्स जो हैं वो 1 मार्च 2018 से खरीदे गए थे तो तब से सारी सूचना दे दी जाए। कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 एक कट ऑफ डेट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर की कि उसके बाद की सूचना दे दीजिए। तो उस कारण से आज हमारे पास ये बहुत ही जरूरी सूचना नहीं है एज वोटर्स, एज सिटीजन्स, कि किसने बॉन्ड खरीदे जो कट ऑफ डेट थी उसके पहले। और ये सूचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सूची देखें जो हमारे पास सूचना आज मौजूद है जो 12 अप्रैल 2019 के बाद की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि किसने बॉन्ड खरीदे। क्या ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें बड़े बड़े ठेके मिले और बिल्कुल उसके पहले या उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे? क्या ऐसी कंपनीज हैं जिन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे? क्या ऐसी कंपनीज हैं जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज हैं और वो जाकर बॉन्ड खरीद रही हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी अगर हम जजमेंट देखें, कोर्ट यही कहता है कि जब कंपनियां पैसे देती हैं वो तो क्विड प्रो को के लिए पैसे देती हैं, अपने मुनाफे के लिए पैसे देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो पार्टी से कुछ फेवर ले सकें, कॉन्ट्रैक्ट ले सकें, अपना जो रफा दफा करा सकें केस को या इन्वेस्टिगेशन रुकवा सकें। तो ये सूचना जब तक लोगों के पास नहीं होगी कि किसने बॉन्ड खरीदे, तो अधूरी रह जाती है सूचना। बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दें अब SBI बैंक को, जो कि डेजिग्नेटेड बैंक था इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी के लिए, कि वो सारी सूचना
1 मार्च 2018 से लेकर ये सूचना मुहैया कराएं कि किसने बॉन्ड खरीदे देश में, जिससे कि हम जब चुनाव में जाएं तो हम पूरी तरह से सूचित होकर, इन्फॉर्म्ड होकर जा सकें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें कौन चंदा दे रहा है। आफ्टर ऑल लोकतंत्र में जब हम वोट करने जाते हैं, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा कहाँ से आ रहा है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो पार्टियाँ किसके लिए काम करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास ये सूचना हो कि किसने बॉन्ड खरीदे, किसको बॉन्ड दिए और कितने अमाउंट के थे ये बॉन्ड। पूरी सूचना सामने आए, पूरे के पूरे 16,500 करोड़ रुपए की। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि इन सवालों के जवाब नहीं लिए जा रहे? आखिर क्या वजह है कि देश की जनता को इन सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं है? आखिर क्या वजह है कि देश का गोदी मीडिया भाजपा के नेताओं से ये सरल सवाल नहीं पूछ रहा? मामला करोड़ों का है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं। सीधा सा सवाल, कहां है आपकी गारंटी? जब इतने सवालों के जवाब दिए जाने बाकी हैं, मैं सीधी चुनौती देता हूं, भाजपा के नेता आएं और मेरे सवालों का जवाब दें। जो सवाल लगातार मैं न्यूज क्लिक पर और अपने मंच पर लगातार उठा रहा हूं, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, क्या इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे? और जो बात मैंने आपके सामने रखी है सिर्फ तथ्यों के आधार पर रखी है। आखिर इन सवालों से भाजपा क्यों बच रही है? क्या इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? मैं जानता हूं संगोल युग चल रहा है, मैं जानता हूं अमृतकाल है लोकतंत्र का, इसीलिए इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। और जो ये सवाल पूछेगा उसे देशद्रोही बता दिया जाएगा। मगर माफ कीजिएगा, मेरे लिए सच बहुत जरूरी है। आपके अनर्गल और झूठे आरोपों से ना मैं डरा हूं, ना आगे डरने वाला हूं। ये तो सवाल हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।